वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, या आगामी सीजी व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए एक मैथ्स की एक बेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और यदि अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हैं तो आप मान के चलिए आपका एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, जिस क्लास से संबंधित टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी जो हम टॉपिक देख रहे हैं सीजी टेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में या सीजी टेट में आना ही आना है। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल आज कॉन्सेप्ट को समझ कर जाएंगे, और शानदार तरीके से आपको जो फॉर्मूला बताया जाएगा उस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, और वहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी की बात करें तो ये सामान्य श्रेणियों से अलग होती है। समांतर श्रेणियों में जो गैप होता है नंबर्स के बीच में वो समान होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है, यहां पर 2 लिखा है, इसके बाद 4 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है। यहां पर इस श्रेणी की अगर बात करें, इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीरीज में आपको दिख रहा है कि हर जगह क्या है कॉमन, यहां पर दो दो का यहां पर अंतर आपको नजर आ रहा है, दो दो का यहां पर क्या है, एक गैप है। ठीक है, इसके अलावा कोई और सीरीज अगर हम ले, जैसे कि हमारे पास दिए गए 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11, इस प्रकार की भी कोई मान लो की बात आपके पास सीरीज है, तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी क्या है, आपको एक कॉमन गैप, एक कॉमन डिफरेंस, यहां पर दो दो का एक अंतर नजर आ रहा होगा। ये दो दो का जो समान रूप से जो अंतर नजर आ रहा है, इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपके पास जब प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा जो सीरीज दी गई है वो समांतर श्रेणी की सीरीज है कि नहीं। क्लियर है? ठीक, अगर समांतर श्रेणी होगा तो समांतर श्रेणी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ यहां पर इसके नियम हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप इसमें समांतर श्रेणी के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहला यहां पर प्रश्न पूछता है कि समांतर श्रेणी या श्रेणी का nth टर्म, nवां पद ज्ञात कीजिए। nth टर्म जब आपको पूछा जाए तब आपको क्या करना है, nth टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है tn बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है? ये nth टर्म का फॉर्मूला है। इसमें अगर हम बात करें, ठीक, तो a क्या है, यहां पर a की अगर हम बात करें तो a है प्रथम पद, ए हमारे पास जो दिया गया है ए होता है इसमें प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करें डी की, तो डी होता है इसमें सार्वांतर, सार्व अंतर, या इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस। और इसे निकालने का तरीका होता है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्लियर है? तो यहां पर ये डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें यदि n की वैल्यू की, तो n का यहां पर मान दिया जाता है, जो भी nth टर्म, जिस भी टर्म के बारे में पूछा जाएगा उस पद को हम nवां पद लेकर चलेंगे, तो वहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा। क्लियर है? तो यहां से सबसे पहला एक फॉर्मूला आपको याद करना है कि कभी भी अगर आपको nth टर्म के बारे में, nवां पद के बारे में पूछा जाए तो आप उसे कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है यहां तक चीजें? tn को, tn को एक और यहां पर नाम दिया गया है, कई बार tn को लास्ट टर्म भी कहा जाता है। tn ही क्या होता है, लास्ट टर्म भी होता है, ठीक, अंतिम पद भी इसे कहा जाता है। डन। तो आप कभी कंफ्यूज मत होजिए, कभी अगर आपको अंतिम पद पूछे या एनवा पद पूछे तो आप आसानी से इसी फॉर्मूले से उसे निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए आप पूछे
कि जितने भी समांतर श्रेणी अगर दिए गए हैं उनके n पदों का योग क्या है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाए कि बताइए n पदों का nth टर्म का सम क्या है, योग क्या है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है क्या यहां तक? यदि अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदलूं, थोड़ा सा इसको चेंज करूं, तो आपको यहां पर दिखेगा a प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें हमें ये फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया था a प्लस एन माइनस वन डी। तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला है हमारा a प्लस टी एन का एनवा पद का हमारा फॉर्मूला है, इसी को कई बार टी एन को लास्ट टर्म कहा जाता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस लास्ट टर्म l। क्लियर है? इसे हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसे n बाई टू, ए क्या है आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद लास्ट टर्म। क्लियर है क्या? तो ये जो है इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला जो है बदलता हुआ दिखेगा। n पदों का योग का फॉर्मूला ये है, यदि अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया हो, तब आप Sn का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जब आपके पास क्या दिया हो, अंतिम पद दिया गया हो। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। फिर से मैं आपको बता देना चाहूं, फॉर्मूले से रिलेटेड ये फॉर्मूला ही आपको एग्जाम में पूछ देगा, ये भी हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला सबसे पहले आप रट लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्नों की श्रृंखला में हम धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का या फॉर्मूलों का यूज भी करके देखेंगे, और ऐसे प्रश्न भी बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए पहला प्रश्न है हमारे पास 5/12/1926 में आपको पूछा गया है कि टी का दसवां पद बताइए, दसवां पद टी टेंथ टर्म को बताइए बोला है। ठीक है, उसके अलावा आपको पूछा गया है कि बताइए दस पदों का योग क्या होगा, तो यहां पर आपको एनवा पद भी पूछा गया है और योग भी पूछ लिया गया है। चलिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टी टेंथ टर्म को, तो टी टेंथ बराबर हो जाता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, तो कभी भी आप ये प्रश्न सॉल्व करें तो गिवन डेटा पर स्पेशली फोकस कीजिए, अगर आप पहली बार इस प्रश्न को बना रहे हैं तो आपको गिवन डेटा आपको फोकस करना होगा। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास प्रथम पद क्या है, प्रथम पद पहला पद क्या है, तो आप कहेंगे पहला पद सर हमारे पास क्या है, फाइव है। इसके अलावा हम बात करें एन की वैल्यू क्या है, तो दसवें पद के बारे में पूछा गया, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, टेन हो गई। इसके अलावा हमें सार्वांतर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा था डी की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 12 है और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5 है, और 12 माइनस 5 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर 7 मिल जाएगा, यानी सार्वांतर का वैल्यू क्या मिल गया, 7। डन यहां तक चीजें। अब टी टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टेन बराबर हमारे पास होगा ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5 प्लस 10 माइनस 1 और मिल जाएगा आपको यहां पर क्या, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 7, तो यहां पर वैल्यू रख लेते हैं 5 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63, तो 5 प्लस 63 और ये मिल गया आपको 68। ये है आपका टी दसवां पद, इस दसवां पद को ही हम अंतिम पद भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी आपको मिल गया। क्लियर है क्या यहां तक चीजें, टी टेन की वैल्यू क्या मिल गई, 68। ठीक, अब देखिए हम निकालते हैं 10 पदों का योग। ठीक, अब 10 पदों का योग निकालते हैं, तो 10 पदों का योग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस टेन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है? ठीक, अब चाहे तो आप इस फॉर्मूले में पूरी वैल्यू रख लीजिए, या तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास अंतिम पद दिया है, अंतिम पद की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो अंतिम पद की वैल्यू अगर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर n बाई टू प्लस ए प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू या t दसवें पद की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, बस उसे आपको रख देना है।
तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2। ए की वैल्यू प्रथम पद क्या है आपके पास 5 है और अंतिम पद की वैल्यू आपने निकाल ली है क्या 68। क्लियर है। आप यहां पर वैल्यू रखकर भी यही आंसर निकालेंगे और अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा इंटू एन बाई टू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा 5, 68 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास 73 और इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 365। ये हो गया हमारे पास 10 पदों का योग, 10 पदों का योग 365 हो जाएगा हमारे पास 10 पदों का योग। क्लियर है यहां तक चीजें। तो यहां पर हमने दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें हमने 10वां पद निकाला और साथ ही साथ 10 पदों का योग निकालना भी सीखा। यदि आपको अंतिम पद दिया है तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो अगर आपको डायरेक्ट योग ही पूछा है तो आप इस फॉर्मूले से भी उसे बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है आपको डायरेक्ट एन पदों का योग, और एन पद यानी कितने 10 पदों का योग आपको पूछा गया है। मतलब आपको डायरेक्ट इस बार इस फॉर्मूले का यूज करना है एस टेन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि आपको यहां पर अंतिम पद नहीं दिया गया है इसलिए आप पूरी वैल्यू को रखकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास प्रथम पद है और प्रथम पद कितना है माइनस 11 है। प्रथम पद फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 11 है। इसके अलावा हम बात करें सर्वांतर की, तो सर्वांतर हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस 8 माइनस, ध्यान रखिएगा यहां पर गलती होगी, ध्यान दीजिए तो यहां पर क्या लिखना है आपको माइनस 11 लिखना है। डन। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 11 आपको मिल जाएगा कितना 3। क्लियर, माइनस 8 प्लस 11 कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। ये मिल गया आपको डी का मान, डी का मान। अगला आपको क्या जानना है एन का मान, तो एन की वैल्यू की अगर बात करें तो आप बोलेंगे सर एन की वैल्यू तो यहां पर दी हुई है, वो कितना है हमारे पास 10, क्योंकि 10 पदों का योग आपको निकालना है। चलिए अब आपको जो जो पता है आप वैसा वैल्यू रख लीजिए, तो एस 10 बराबर हो जाएगा एन बाई टू, यानी कि कितना हो जाएगा 10/2 टू ए, टू इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ए की वैल्यू कितनी है माइनस 11, तो माइनस 11 रख लीजिए, प्लस एन माइनस 1 करना है यानी 10-1 हमें करना है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास यहां पर 3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया कितना -22। ठीक, ये कितना हो जाएगा 10-1 9 9 3 27। ठीक है, ये हो गया 27। क्लियर है। ठीक, ये 5 यहां पर कितना मिल जाएगा आपको 27-22, ये मिल गया 5। क्लियर, 5 5 25, 5 5 25। तो ये मिल गया आपको एस 10 पदों का योग का मान, और यही है आपका आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस का खेल है, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। फॉर्मूला याद है तो बना लेंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। डन। फिर से बता दूं सीजी टेट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। यदि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखिए। आप इस क्वेश्चन को अगर अपना अगर ये टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का योग उनके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर हो, तो समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्या चीजें? ठीक, देखिए बोलता है समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग। ध्यान से देखिए, अगर मैं समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग निकालना चाहूं तो एस 11 बराबर हमारे पास क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। वहीं एस 11 की वैल्यू अगर रखें तो 11/2, क्योंकि हमें कहीं पर भी प्रथम पद सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं दिया गया, तो आप जैसा जैसा दिया गया है टर्म वैसा ही रख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कितना 11-1 और डी का वैल्यू डी ही रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एस 11 की वैल्यू 11/2 टू ए और ये हो जाएगा आपके पास 10 डी। क्लियर है, ये हो गया एस 11 पदों का योग। इसके अलावा आपको दिया गया है, बोला है कि भाई 19 पदों का योग के बराबर है, तो 19 पदों का योग भी निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा एस 19 बराबर कितना होगा 19/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस यहां पर होगा 19-1 d। क्लियर है,
ठीक, तो एस 19 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर 19/2, ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 18d। यहां तक आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये एस 11 की वैल्यू निकल गई, एस 19 की वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, प्रश्नानुसार 11 पदों का जो योग है वो प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है, इक्वल है। फर्स्ट 19 टर्म और 11 टर्म का जो सम है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां पर जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया गया एस 11 जो है एस 19 के बराबर है, तो आपको जैसे जैसे बताया वैसा वैसा वैल्यू रख लीजिए। तो एस 11 की वैल्यू कितनी है, 11/2, ठीक है, 2a प्लस कितना होगा 10d होगा, बराबर फिर रखेंगे हम कितना, 19/2 और कितना हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 18d हो जाएगा, डन। अब देखिए यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 2 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22a हो जाएगा, प्लस 11 10d, बराबर 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38a, इसी 19 को 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 342d मिल जाएगा। ए को ए ही रखिए, डी को डी रखिए, क्योंकि आपको कहीं पर मान नहीं दिया गया, जैसे जैसे दिया गया है वैसी के वैसी रख लीजिए। तो सभी को एक साइड जब ले जाएंगे, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 38a माइनस 22a प्लस 342d माइनस कितना हो जाएगा, 110d। अब क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में चला गया, इसलिए यहां पर क्या बचेगा, केवल जीरो बचेगा, ठीक है। यहां पर इसे माइनस करते हैं, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा आपके पास 1। तो 16a प्लस कितना हो जाएगा, 342 माइनस 110, तो यहां हो जाएगा 2, 4 में 1 गया 3 और 3 में 1 गया 2, 232d बराबर 0। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखिए अगला पॉइंट, अगर मैं दोनों में से 8 कॉमन निकाल लूं, 16 में से भी 8 कॉमन निकालूं और यहां से भी 8 अगर कॉमन निकाल लूं, 8 कॉमन निकालने के बाद आपको बचेगा यहां पर 2a यहां पर 29d बराबर 0। क्लियर है क्या यहां तक, ठीक है। तो आपको एक कंप्लीट एक मान मिल रहा है 2a 29d बराबर 0, ठीक है। यहां पर मैं इसे लिख देता हूं, क्या मिला आपको, जो वैल्यू मिला है उसे लिख देते हैं हम। तो आपको मिला है 2a प्लस 29d बराबर 0। क्लियर, दोनों को इक्वेट करने के बाद आपको एक वैल्यू मिल गया, एक समीकरण मिला, 2a प्लस 29d बराबर 0, ठीक। अब लास्ट और छोटा सा काम बचा हुआ है, क्या पूछा है आपको, 30 पदों का योग आपको बताना है, 30 पदों का योग। ध्यान से देखिए, अगर 30 पदों के योग की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे सर एस 30 बराबर होता है 30 बाय 2, ठीक है, 2a की वैल्यू आपको नहीं पता, यहां पर रखिए 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 29d हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो एस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहां पर 30 बाय 2, 2a प्लस 19d। अब ध्यान से देखिए, जो आपने इक्वेशन यहां से निकाला 2a प्लस 19d की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप ये डायरेक्ट मान 2a प्लस 19d के मान कहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। अब ये 0 × 30/2 होगा तो क्या आएगा वैल्यू, एस 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो 30 पदों का योग कितना आएगा आपका, 0 आएगा, 0। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा आंसर। क्लियर है क्या यहां तक, ठीक। कहीं पर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, या तो उस प्रश्नों को अगले हम जो हमारे सीरीज चल रहे हैं उसमें आपके डाउट को क्लियर भी कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ये सीजी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको आप भी खुद भी ट्राई कीजिए, मैं भी आपको बताते चल रहा हूं, आंसर मैच कर लीजिएगा, कौन सा सही हो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई √2, √2, √3, √2, √5, √2 ये सीरीज में गया हुआ है और 18वें पद को आपको पूछा गया, 18th टर्म को, ठीक है। तो t18 की वैल्यू हमको निकालनी है, t18 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है nवें पद का, तो आप कहेंगे सर a प्लस n माइनस 1d, ये हमें nवां पद का फॉर्मूला पता है, ठीक है। यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो बोलेंगे सर a की वैल्यू हमारे पास है √2, ठीक है। n की वैल्यू आप जैसे कि देख रहे हैं, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18। d की वैल्यू की अगर बात करें, d की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद कितना है, √3 माइनस कितना होगा √2, तो आपको मिल जाएगा d कितना,
टू रूट टू। डन, आपको सभी गिवन डेटा मिल गए हैं, बस आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा, टी 18 बराबर पहला पद है हमारे पास रूट टू प्लस एन माइनस वन यानी 18 माइनस कितना होगा एक, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू रूट टू है। ठीक है, तो रूट टू प्लस 18 माइनस वन कितना होगा 17 इंटू टू रूट टू, क्लियर है। रूट टू प्लस 17 दूनी 34 वर्गमूल 2 रूट टू, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 34 प्लस 5। देखिए अगर आपका ये रूट टू है, ये भी रूट टू, ये अगर सेम है तो आपको ऐड कर देना है और यहां पर एक मानकर चलना है, तब ये 34 प्लस एक कितना हो जाएगा 35, और ये रूट टू में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वैसे का वैसा रह गया। और टी 18 का मान आपको मिल गया कितना यहां पर 35 रूट टू, ये हो गया आपका आंसर बी, क्लियर है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूज क्वेश्चन दिया जाए कंफ्यूज करने के लिए, हर प्रकार का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस ये समांतर श्रेणी वाली खासियत यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लिए तो आसानी से जो भी प्रश्न आएंगे वो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी अगर आप ध्यान से देखें ठीक तो आप बना सकते हैं। बट होता क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि जो छात्र हैं इस क्वेश्चन को देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला, समांतर श्रेणी का पीवा पद पी टर्म जो है क्यू है और क्यू टर्म जो है पी है। देखिए अगर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला है, टी पी पीवा पद जो है आपको दिया गया है कितना क्यू दिया गया है, तो टी पी की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पी माइनस वन डी हो जाएगा, क्योंकि टी पी की वैल्यू कितना दिया है क्यू दिया है, तो क्यू बराबर कितना होगा आपके पास ए प्लस पी माइनस वन डी होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, समीकरण एक दे देते हैं, क्लियर है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें टी क्यू की, अगर बात करें तो टी क्यू बराबर क्या होगा, टी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास ए प्लस क्यू माइनस वन डी। ठीक है, इसी में टी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है पी, तो पी बराबर हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन डी, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं, दो दे देते हैं, क्लियर है क्या। तो पहले लाइन में जो जो चीजें दी गई थी उसको मैंने वैसा लिख लिया, यहां तक डन है। अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को घटाते हैं, समीकरण एक में दो को घटाने पर, समीकरण एक में जब दो को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा q माइनस पी लेफ्ट हैंड साइड में बराबर राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए यहां पर a प्लस है a प्लस पी माइनस वन डी माइनस a माइनस q माइनस वन डी, क्लियर है। सभी में हमने माइनस का निशान लगा दिया, ये हो गया आपका ये वाला टर्म पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, माइनस कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या क्या चीजें यहां पर कैंसिल हो रही है। ठीक, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, q माइनस पी ही रहेगा बराबर a, a कैंसल हो गया। ठीक है, a माइनस इधर प्लस a माइनस a कैंसल, आपके पास बचा p माइनस वन डी माइनस q माइनस वन डी। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने पर मिलेगा आपको पी डी माइनस पी और माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा यहां पर माइनस माइनस प्लस, ये मिल जाएगा आपको डी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, ठीक है, यहां पर आ जाएगा डी। देखिए अब क्या कैंसल हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये डी डी क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास फाइनली बचा क्यू माइनस पी बराबर आपके पास होगा पी डी माइनस क्यू डी। डन, यहां तक चीजें। अब ध्यान से देखिए आप, ये q माइनस पी है ठीक है, और यहां पर जब d कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा p माइनस क्यू मिल जाएगा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, ये लिखा है q माइनस पी और ये लिखा है हमारे पास p माइनस क्यू लिखा है, क्या हम इसे बराबर कर सकते हैं जैसा का जैसा लिखा हुआ वैसा। इसे यदि p माइनस क्यू बना दी जाए, p माइनस क्यू बना दी जाए तो कैसे बनाएंगे हम, यहां पर माइनस कॉमन निकालकर, तो माइनस कॉमन निकालने पर p माइनस क्यू ये बन जाएगा, यहां पर ये p माइनस क्यू पहले से है
और ये डी, और ये पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू कैंसल हो जाएगा और फाइनल आपको डी का मान जो है वन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस वन मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर माइनस हमने क्या निकाल लिया था, कॉमन निकाल लिया, इसलिए डी का मान क्या बचा आपके पास, वन बचा। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक। अब देखिए डी का मान जब निकल जाए, डी का मान जब निकल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को आप ले लीजिए, मान लीजिए इक्वेशन टू को मैंने ले लिया, समीकरण दो से हमने डी का मान रख दिया, समीकरण दो में अगर डी का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन, और डी का मान रख देंगे हम क्या यहां पर माइनस वन, ठीक है। तो आपको मिलेगा पी बराबर ए प्लस, ये माइनस आया तो कितना हो जाएगा, क्यू माइनस वन हो जाएगा। और यहीं से अगर ए का मान अगर हम देखें तो ए का एक फाइनल मान आपको मिल जाएगा यहां पर कितना, पी प्लस क्यू माइनस वन, ये हो गया ए का मान। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको समीकरण ए से मिल, दो से मिल गई, और डी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको जो पूछा है वही बस आपको निकाल लेना, तो आपको क्या पूछा है, एमवा पद, ठीक है, एमवा पद हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर टी एम की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए प्लस एम माइनस वन डी। अब वैल्यू का मान आप रख दीजिए, ए का मान कितना पता है आपको यहां पर, तो आप बोलेंगे सर ये है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू हो गया, ठीक है, पी प्लस क्यू, साथ ही साथ यहां पर माइनस वन, ठीक है, प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास, डी की वैल्यू है माइनस वन। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आंसर आने ही वाला है, टी एम की वैल्यू निकलने वाली है, ठीक। यहां पर हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस, यहां पर इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो जाएगा माइनस एम प्लस वन, डन। अब क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, और आपको फाइनल एक वैल्यू मिल रहा है पी प्लस क्यू माइनस एम, डन। अब यहां पर ये जो मिला है यही आपका क्या है, एमवा पद है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि आपका कौन सा आंसर इसमें करेक्ट कर जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के लेंथी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, आपके पास अगर एग्जाम में समय होगा तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए और आंसर जरूर टिक लगाइए, ठीक है। बट अगर समय नहीं है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे प्रश्नों को आप लास्ट में बनाएंगे, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए जिसे आप बना भी सकते हैं और जिसमें फंस कर आप अपना टाइम भी वेस्ट कर जाए, ठीक है। बट आपको मैंने बनाने का तरीका बता दिया है, ऐसा अगर आप बना सकते हैं बिल्कुल बनाइएगा और करेक्ट आंसर जरूर लगा कर रहिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीजी टेट में पूछे जाते हैं और शिक्षक भर्ती में भी संभावना कि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का 25वां पद 75 है, 25वां पद 75 है और 25वें और 24वें पद का अंतर 5 दिया गया है, तो बताइए पांचवा पद क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे, ये भी सीजी टेट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं पर भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं उसे ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला दिया गया है आपको T20th टर्म, यहां पर 25वां पद जो है आपको दे दिया गया, कितना दिया है 75, 25वां पद आपको दे दिया गया, डन, ये पहली चीज आपको दे दी गई, ठीक। इसके बाद बोलता है कि भाई T25 और 24 दोनों का अंतर 5 है, अगले क्वेश्चन में आपको बोलता है T25 और T24, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है हमारे पास 5 है, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए T25वें की अगर बात करूं तो यहां पर ए तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, ए को ए ही मान लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा डी, माइनस T24 की बात करें तो ए प्लस कितना होगा 24 माइनस 1 डी हो जाएगा, क्लियर है, वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस कितना हो जाएगा 24d माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा 24 माइनस 1 23d, कितना हो जाएगा माइनस 23d बराबर 5, डन है क्या यहां तक।
अब यहां पर ए कैंसिल हो जाएगा, 24d माइनस 23d कितना मिल जाएगा आपको, d मिल जाएगा, और d का मान कितना मिल गया आपको, 5। क्लियर है क्या यहां तक चीजें? अब d का मान जब आपको 5 मिल गया तो आपको पूछा क्या है, श्रेणी का पांचवा पद पूछा गया। ठीक है, चलिए अभी भी आपके पास a का मान नहीं है, a का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, T25 का वैल्यू आपको दिया गया है 75। तो T25 का वैल्यू अगर 75 दिया है तो आप बोलेंगे सर a प्लस 25 माइनस 1 करेंगे और d बराबर कितना दिया है यहां पर 75। अभी हम निकालने वाले हैं a का मान, ध्यान से देखिए। तो a प्लस यहां पर कितना हो जाएगा ये 24 और d का मान है कितना हमारे पास 5 बराबर 75। ठीक है, तो a का मान आपको मिल जाएगा 120 बराबर 75 और a बराबर हमारे पास वैल्यू होगी 75 माइनस 120। जब हम इसे घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, ये माइनस 45। क्लियर है? तो आपको एक और मान मिल चुका है, एक और मान मिल चुका है, a बराबर कितना मिला आपको माइनस 45। ध्यान से देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको a का मान मिल जाएगा, a का मान, और आएगा किसमें, माइनस में, ध्यान दीजिएगा, a का मान कितने आया है माइनस में, a का मान आया है माइनस 45 और d का मान कितना मिल गया 5। ये दोनों चीजें मिलेंगी तभी आप कोई भी पद को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि d मिल गया तो आप यहां पर पांचवा पद निकाल सकते थे। ठीक, चलिए अब यहां पर आसानी से आप निकाल सकते हैं t का पांचवा टर्म। तो T5 बराबर हो जाएगा a प्लस इतना n माइनस 1 d। ठीक है, जो जो मान पता है उसे रख लेते हैं। तो a का मान हमें पता है माइनस 45 प्लस यहां पर कितना होगा n का वैल्यू 5, तो n का वैल्यू होगा 5 माइनस 1 और d का वैल्यू जैसे हमें पता है कितना है 5 है। तो यहां रखे हमने माइनस 45 प्लस 4 पंचे कितना हो गया 20 और फाइनल आपको आंसर मिल गया माइनस 25। तो T5 की वैल्यू है, पांचवा पद जो है वह है माइनस 25 और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? तो ये जितने भी प्रश्न आपने सॉल्व किए, साथ ही साथ आपने फॉर्मूला देखा, इन फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हो तो जैसे मैंने कहा कि आपके एग्जाम में जितने आए हुए प्रश्न हैं उसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीजों को हम सॉल्व नहीं कर रहे, और गारंटी है कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। और हो सके तो आपके अगर प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को पूछ लीजिए, अगले जो सीरीज है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपके डाउट भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो आप अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।